राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीभा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जीभा पापनी, राम के नाम बिना। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐश कुमार शर्मा सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर एक ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं। जो लोग हारमोनियम सीख रहे हैं, विग्नर्स हैं, या जिन्हें स्केल के बारे में पता नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल होने वाला है। मेरी यही गुजारिश है, यदि आपको अच्छे से ढंग से समझना है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, बीच में स्किप करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। दोस्तों, उससे पहले कि मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू बात करूं, मेरी यही गुजारिश है कि यदि आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं और मेरे वीडियोज़ आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप एक बार मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबाएं, ऑल बटन क्लिक करें उसमें, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों, मेरा टॉपिक आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये संगीत के फील्ड में एक अहम टॉपिक है, फाउंडेशन है, ये मान के चलिए। दोस्तों, क्या होता है कि लोग गीत गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि गीत का स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले हारमोनियम की शुरुआत करने के पहले यह जानें कि गाने का स्केल क्या होता है। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा गाने का स्केल क्या होता है और कितने स्केल होते हैं टोटल। यदि आप ये जान गए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस संगीत की दुनिया में। संगीत सीखने में आपको बहुत इजीनेस महसूस होगा यदि आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने यही गीत गुनगुनाया था, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिभा पापनी, राम के नाम बिना। तो देखिए दोस्तों, स्केल ये होता है कि हम जब कोई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हम कोई जर्नी शुरू कर रहे हैं, स्केल का मतलब वही है कि हमें यात्रा कहाँ से करनी है और कहाँ तक यात्रा करनी है। इस बात को जाने बगैर आप अपनी यात्रा करेंगे तो करेंगे कहाँ। चाहे आप ग्राउंड की यात्रा करें, चाहे एक शहर से दूसरे शहर तक जाएं, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि ये बीच में कितने कितने कौन कौन सी जगह मिलती है, कौन कौन से शहर मिलेंगे, छोटे बड़े कौन कौन से रोड मिलेंगे, ये आपको जानना आवश्यक है। सेम उसी प्रकार से हमारा स्केल ये दर्शा देता है कि हमारे मोड़ कितने आएंगे, यानी कहाँ मुड़ना है, कहाँ से वापस होना है, वगैरह वगैरह, तभी हम अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। मान लीजिए मेरा स्केल पहली काली है, पहली काली पता लग गया और मुझे ये पता लग गया कि ये मेजर स्केल है, तो सीधी सी बात है मेरे नोट्स क्या होंगे, सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। अगर मेरा स्केल मेजर है तो मेजर में है तो सारे नोट्स जो हैं शुद्ध लगते हैं। अगर इसकी जगह माइनर स्केल भी हो सकता है, जैसे ये गीत जो मैंने गाया है, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीभा
जिभ्या पापनी राम के नाम बिना। ये माइनर स्केल पर है, इसको मैंने सी शार्प माइनर पे गाया है। अब माइनर और मेजर में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो गा लगता है सागा पा, अगर माइनर स्केल होगा तो गा उसमें कॉमन लगेगा, और अगर मेजर जैसे गा सागा पा, ये देखें सागा गा कॉमन है और ये पा, ये रूट बनता है। अगर मेजर स्केल हुआ तो सागा पा शुद्ध लगेंगे, ए इस टाइप से। अब ये तो मेरा एक स्केल हो गया, अब स्केल कितने होते हैं, स्केल कितने हो सकते अधिक से अधिक। तो देखिए दोस्तों कि आप जैसे कोई सा भी कहीं से भी शुरुआत करें, किसी भी स्वर से शुरुआत करें, उससे लेकर के अगले 12 स्वर, 12 नोट्स होते हैं एक ऑक्टेव में। आप जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत किया तो मेरे 12 स्वर एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह 12 नोट यहाँ हो जाते हैं कंप्लीट। तो ये और ये तार सप्तक का फिर से सा आ गया, तो मेरा ये एक ऑक्टेव बन गया। अब चूंकि ऑक्टेव में सिर्फ कुल मिला के हमारे 12 नोट्स होते हैं, उससे अधिक नोट्स नहीं होते हैं, तीव्र और कोमल शुद्ध सब मिला करके 12 स्वर होते हैं, 12 नोट्स होते हैं एक ऑक्टेव में, तो स्केल भी 12 होंगे। अब मैंने इसी गीत को पहली काली से गाया, हो सकता है कोई इंसान इसको दूसरे इससे यहाँ से गाए, कोई दूसरी काली से गाएगा, कोई तीसरी काली से गाएगा, तो ये तो अपने गले के रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, किसका गला कितना हाई है तो वो सोचता है कि मैं तो और ऊंचे से गाऊंगा, तो उसी हिसाब से गीत गाया जा सकता है। यानी कि स्केल कुल मिलाकर के 12 होते हैं। इसी गीत को मैं यहाँ से गा रहा हूँ, यहाँ से भी गा सकता हूँ, यहाँ से भी, 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 यानी कि इसको सी शार्प हो गया, यहाँ से भी गाया जा सकता है, इसको डी से भी गा सकते हैं, डी शार्प से, ई से गा सकते हैं, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, और फिर ये आ गया फिर से बी के, यानी कि बी, ये बी स्वर हो गया। इसके बाद ये फिर से रिपीट हो गया, ये वाला पहली सफेद है यहाँ रिपीट हो गई। कुल मिला के जैसे मेरा यहाँ से मैं गा रहा हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह 12 यहाँ तक गाया जा सकता है, इस पहली काली से यहाँ तक, यानी कि ये नी बना, नी तक भी स्केल होते हैं, सा से लेके सा रे गा मा पा धा नी, नी तक स्केल होते हैं, यानी 12 कुल 12 स्केल बनते हैं। तो अब इसमें से इसके काले के बीच वाले सफ़ेद से भी शुरू हो सकता है, तो कहने का मतलब कुल 12 स्केल हो सकते हैं, एक ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं, 12 नोट्स होते हैं, और किसी भी नोट्स को स्केल यदि हम मान लें, अपना स्केल बना लें, तो 12 डिफरेंट डिफरेंट स्केल बन जाते हैं। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात आती है, यदि हम एक अच्छा कलाकार बनना है तो हमें स्केल जानना बहुत ज़रूरी है, स्केल जाने बगैर हम गीत कैसे गाएंगे, यानी कि जो बीच के स्टॉपेज आएंगे उसके किस जर्नी को शुरुआत कैसे करेंगे। अब मैं इसी को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, जैसे अब मैंने एक गीत गाया छोटा सा आलाप बना लिया, इसी में जो इसमें नोट्स लग रहे हैं उसी हिसाब से मैंने आलाप बना दिया। अब स्केल देखो, मेरा स्केल ये है पहली काली। अब मैंने शुरुआत किया इसी भजन को, फिल्मी सॉन्ग इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फिल्मी सॉन्ग में कॉपीराइट आने का चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं भजन बता रहा हूँ।
राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, जल जाए जीभ पापनी, राम के नाम बिना, जल जाए जीभ पापनी, राम के नाम बिना। अब देखिए यहाँ से मैं, मुझे वो स्केल चुनना चाहिए हर किसी व्यक्ति को जहाँ से उसका गाना कंफर्टेबल हो, यानी कि ये तार सब तक का सा है तो यहाँ पर भी आना, इससे और भी नोट्स अगर ऊपर और हाई लग रहे हों एक दो नोट्स तो वहाँ तक हमारा गला रेंज आसानी से पहुँच जाना चाहिए, तो हमें ऐसे स्केल का चुनाव करना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि मेरे, मैं तीसरी काली शुरुआत कर दी या स्केल, लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, सा तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। अगर यहां से आप शुरुआत करेंगे तो सा सारे गमा पैधा, ये धा हो गया, अब यहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मेरे को ऐसे स्केल का चुनाव नहीं करना चाहिए जो मेरे लिए असुविधाजनक हो। तो या मैंने पहली काली चुना, अब देखना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, जल जाए जीभ पापनी, राम के नाम बिना। अब मेरे को अगर पहली काली मैंने स्केल बनाया अपना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो रही है, ये यहाँ से लेकर के तार सप्तक के तार सडज पे आने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और गीत आराम से मैं अपने फुल कैपेसिटी में गा रहा हूँ, कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कहीं चूक रहा हूँ या बेताला हो रहा हूँ या मेरा गला रेंज नहीं पहुँच रहा, तो ऐसा स्किल का चुनाव करें। लेकिन सबसे पहले आप इसका चुनाव ज़रूर कर लें, क्योंकि गीत हमारा उसी स्थान पर आकर रुकेगा, यहाँ से जैसे आप जहाँ से जर्नी शुरू करते हैं तो वापस में आप उसी जर्नी उसी पॉइंट पर तो आते हैं, जैसे यहाँ से जर्नी शुरू किया, अब यहाँ से जंप यहाँ पा पे आया, पा से गाना शुरू हुआ, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, जल जाए जीभ पापनी, राम के नाम बिना। अब देखो मैं राम के नाम बिना, मेरा माने जर्नी करके आ गया मैं यहाँ से लेके तार सडज तक गया, लेकिन वापसी मेरी यहीं पर हुई, तो स्केल वही होता है, जहाँ जहाँ से आप जाते घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पर आना, तो ये आप पकड़ें, पहले अपने आप में ये तरीका लाएं कि स्केल यही होता है। अगर आपने बीच में रोक दिया होता है, गा रहे आप यहाँ से स्केल अपना, आप ये पहली काली समझ, लेकिन आपका मुखड़ा यहाँ एंड हो गया गा के ऊपर, तो वो स्केल टूट गया, यानी आप जिस जगह से जर्नी शुरुआत किया था आप वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं हैं। तो इसलिए यही एक पहचान है कि आपका जो मुखड़ा है वो यहीं जहाँ से जर्नी शुरू किया था वहीं एंड होना चाहिए दोस्तों। तो ये आप समझ लें, अच्छे से जान लें कि स्केल क्या होता है, आप उसी हिसाब से रियाज करें, और ऐसा होना चाहिए कि आपका रेंज, गले का रेंज जहाँ तक भी जाए कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके लिए फिट होना चाहिए। यदि आपने स्केल को जाने बिना कोई गीत गाया तो आप गीत नहीं गा सकते हैं, वो कभी नहीं बात बनेगी। तो सबसे पहले स्केल अपना पकड़ें और उसी हिसाब से गाएं, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही सुंदर गायन और वादन रहेगा आपका, आप अच्छे कलाकार बनेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे मेरा तो इसे लाइक करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।